वह संगीतकार जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जाना पड़ा था जेल, जिसने बॉलीवुड में बी और सी ग्रेड की फिल्मों में ए ग्रेड के गाने दिए, पटना कॉलेज का एक प्रोफेसर जो बन गया बॉलीवुड का नंबर वन संगीतकार, लेकिन इस संगीतकार को बॉलीवुड से नहीं मिला वह सम्मान। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी संगीतकार के बारे में जिसका जलवा 60 के दशक में था, उसके बाद उनके बेटों ने बॉलीवुड में अपने गाने गाए और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हम बात जिन संगीतकारों के बारे में जानेंगे, उन्होंने प्रॉपर तौर पर कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, वे दूसरे विषय से पढ़ाई किए थे और पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी बने। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है वाली कहावत खूब फलीभूत हुई और बिहार का यह लाल अपने सपनों को लेकर चल दिया माया नगरी की ओर और बन गया माया नगरी का बेजोड़ बिहारी। आज हम बात करने जा रहे हैं चित्रगुप्त श्रीवास्तव उर्फ चित्रगुप्त के बारे में। बॉलीवुड में जब पढ़े लिखे संगीतकारों का जिक्र होता है तो उसमें संगीतकार चित्रगुप्त का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है। चित्रगुप्त का जन्म 16 नवंबर 1917 को हुआ था। वो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। उनका शुरुआती पढ़ाई सिवान में हुआ, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी चले गए। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया और बाद में कुछ दिनों तक उन्होंने पत्रकारिता भी की थी। देश जब गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था तो उन्होंने आज़ादी के मतवालों के साथ अपने आप को भी कर लिया था और वे कई बार उन्होंने पर्चे बांटे और इसके लिए उन्होंने जेल भी जाना पड़ा था। चित्रगुप्त को बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। आज़ादी के समय पटना में एक बड़ी जनसभा चल रही थी जिसमें नेहरू जी के सामने उन्होंने देशभक्ति गीत गाने का मौका मिला था। नेहरू जी के चित्रगुप्त की इतनी प्रशंसा की थी कि उन्हें गायक बनने का फैसला कर लिया। इसके बाद उनके एक मित्र मदन सिन्हा, जो कि इम्तिहान फिल्म के निर्देशक भी किया था, उन्होंने कहा कि आप संगीत में हाथ आजमा सकते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त की गाड़ी मुंबई की ओर चल निकली। हालांकि उन्होंने संगीत कहीं से सीखा नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत खंडे संगीत विद्यालय से नोट्स मंगवाकर खूब रियाज किया। इस दौरान वे खुद भी संगीत को सीखते थे और बच्चों को सिखाते भी थे, जिससे कि उनका गुजारा चल जाता था। इसी दौरान उनके एक दोस्त ने संगीत निर्देशक श्री एस एन त्रिपाठी से उनकी मुलाकात करवाई। उन दिनों वे अभिमन्यु फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे। उन्होंने चित्रगुप्त को 2-3 गीत के धुन बनाने को कहा। चित्रगुप्त ने जब संगीत बनाकर दिया तो त्रिपाठी जी को बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने उन्हें अपना सहायक बना लिया। इतना ही नहीं, त्रिपाठी जी ने चित्रगुप्त जी का नाम संगीत निर्देशक के रूप में भी उस फिल्म में दिया था। अब उनकी गाड़ी आगे चल निकली थी। इस समय की फिल्म मनचला, सिंधबाद द सेलर, शौकीन, किस्मत में उन्होंने पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में एस एन त्रिपाठी के कहने पर उन्होंने गायन से अपना ध्यान हटा लिया और संगीत और निर्देशक में वे लग गए। जब वे संगीत निर्देशक के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में लता मंगेशकर के साथ किया था। कहते हैं उस समय लता मंगेशकर के साथ 75 फिल्मों में उन्होंने 225 गीतों का निर्देशन चित्रगुप्त जी ने किया था। ये सभी गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। उस समय के आवाज़ के जादूगर कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी चित्रगुप्त के संगीत के निर्देशन में गाने गाए थे। इसके बाद साल 1975 में आई फिल्म भाभी, जिसमें मानो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के एक एक गाने लोगों के जुबान पर थे। उस समय के फिल्मों के जो गाने थे, चल उड़ जा रे पंछी की, अब यह देश हुआ बेगाना, पूरे देश में धूम मचा रहा था। कहते हैं जब चित्रगुप्त संगीत निर्देशन के क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने बी और सी ग्रेड की फिल्मों को ए ग्रेड के फिल्मों की तरह प्रस्तुत किया, जिसके कारण इन फिल्मों की लाइफ ही बढ़ गई थी। भावी फिल्म के संगीत निर्देशक की दुनिया में चित्रगुप्त के नाम का डंका बज रहा था। हर कोई उनके गाने की तारीफ कर रहा था। इसके बाद आई फिल्मों में इनके द्वारा निर्देशित गाने लोगों के दिलो दिमाग में छाने लगे थे। फिल्म इंसाफ, काली टोपी लाल रुमाल, गेस्ट हाउस, जब तक, आकाशदीप, पतंग, बारात, बेजुबान, एक राज, ऊंचे लोग, तूफान में प्यार कहाँ, मैं चुप रहूंगी, जैसे फिल्मों के गीतों ने चित्रगुप्त को पूरी तरह से बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। लेकिन चित्रगुप्त को बॉलीवुड में वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे असल में हकदार थे, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को एक से एक गाने दिए। चित्रगुप्त बॉलीवुड के साथ ही भोजपुरी में भी उन्होंने संगीत निर्देशन किया। भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म गंगा मैया तो है पीरे चढ़ेबो में इन्होंने ही संगीत का निर्देशन किया था। इस फिल्म के सभी गाने मानो सुपरहिट रहे थे। इसके बाद चित्रगुप्त भोजपुरी में भी स्थापित संगीत निर्देशक बन गए। उन्होंने भोजपुरी में बलम परदेसिया, हमारे दुल्हनिया, सैया ले जा तू गबनवा, भैया दूज, बिहारी बाबू, गंगा किनारे मोरा गाँव, पिया के गांव धरती मैया में
इन्होंने संगीत का निर्देशन किया। चित्रगुप्त जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में संगीत को काफी समय नहीं दे पाए क्योंकि वे लकवा से ग्रसित हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया जिसमें उन्होंने 1200 से भी अधिक गाने गाए। 14 फरवरी 1991 को चित्रगुप्त इस दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन अपने पीछे एक विरासत छोड़ गए। उनके बेटे आनंद और मिलिंद बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो चलते चलते आपसे एक सवाल कि चित्रगुप्त के वो कौन से गाने हैं जो आपको आज भी दिलों को झकझोर देता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।